टेस्टी है, ये वाली जरूर ट्राई। थोड़े से मखान मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप फिट एंड फाइन होंगे। मैं हूँ मीतू राठौर और आप देख रहे हैं निशेत बाई मीतू। और अभी हो रहा है सुबह के 8:30, और 8:30 बजे इसलिए उठी हूँ क्योंकि आज है संडे, और संडे वाले दिन आप सब लोग जानते हैं कि एक ही दिन ऐसा होता है जो हमें मिलता है जिसमें अपने मन से उठना होता है, अपनी मर्जी से ही। लेकिन मैं 7 बजे जग गई थी और फिर मेरे को नींद नहीं आई, बहुत कोशिश करी, तो उसके बाद में मैंने थोड़ा सा आज की वीडियो के बारे में सोचा और कि मुझे क्या क्या बनाना चाहिए, किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को और भी अच्छे तरीके से यूज़ करें। क्योंकि मेरे साथ ये हो रहा था कि मैं एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। ऑनेस्टली मैं यहाँ पे 1-1.5-2 घंटे की वॉक जरूर कर लेती, क्योंकि वो मुझे रात में टाइम मिलता है 9 बजे के बाद, तो 9 से 11 के बीच में मैं 1-1.5 घंटे की वॉक करती हूँ, जिसमें 10,000 स्टेप पूरे कर लेती हूँ, कभी कभी ज़्यादा भी कर लेती हूँ। और एक्सरसाइज के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि 9 बजे तक मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पा रही हूँ। तो अभी मेरी मॉर्निंग ड्रिंक में है लेमन हनी वाटर, तो मैं मतलब फास्ट में ज़्यादातर यही ले रही हूँ, तो मैंने इसको ले लिया है, अभी मैं यही लूँगी। और आज संडे है तो वैसे तो हम जल्दी में स्मूदी बना के पी लेती थी, और वो बेटर ऑप्शन भी है क्योंकि अगर हम एक टाइम पे जैसे कार्ब छोड़ के, कार्ब मीन्स कि जैसे आटा वगैरह या फलाहारी सब खाना छोड़ के अगर हम स्मूदी जैसे दूध और फ्रूट ले रहे हैं, मैंने इसके लिए भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि एक टाइम में हमें सिर्फ फ्रूट और मिल्क ले रहे हैं। लेकिन आज क्या है, आज संडे है और मुझे अपने फ्रेंड के जिम ओपनिंग में भी जाना है और उसके यहाँ पे ग्रैंड ओपनिंग है, तो उससे पहले दिन में हम पता नहीं कुछ बना पाएंगे अच्छा कि नहीं बना पाएंगे। तो मैंने क्या किया, जो मॉर्निंग में जो स्मूदी थी वो दिन में शिफ्ट कर लिया, क्योंकि उस टाइम पे टाइम नहीं होगा, तो मैं वो वाली जो स्मूदी है पैक करके ले जाऊंगी या फिर पी के चली जाऊंगी अगर उस टाइम पे मैं यहाँ हुई। और इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी चाय थी वो हम अभी मॉर्निंग में शिफ्ट कर रहे हैं, और चाय के साथ में बहुत ही मज़ेदार कुछ खाने का मन कर रहा है। और व्रत में वैसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे कुटू की पूड़ी होती है या बड़ा होते हैं, पकौड़ियाँ होती हैं, तो वो तो हम अपनी डाइट में हम नहीं ले सकते हैं। तो हम बनाएंगे आज साबूदाना बड़ा, जो कि डीप फ्राई तो होते हैं लेकिन हम डीप फ्राई नहीं बनाएंगे, हम कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से बनाएंगे और हम उसके मज़े भी लेंगे। और बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है चाय के साथ पीने का, मतलब चाय के साथ बड़ा खाने का। तो चलिए फलाहारी बड़ा कैसे बनाते हैं मैं अपनी ये मॉर्निंग ड्रिंक पी लूँ और फिर दिखाती हूँ। साबूदाना बड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मैश किया हुआ आलू। यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए क्योंकि मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, अगर आप 1 लोग के लिए बना रहे हैं तो आप 1 ही आलू लें। साथ में मैंने ग्रेट किया हुआ पनीर लिया है, और ये है साबूदाना जिसे मैंने भिगो के पानी में रखा हुआ था फ्रिज में, तो वही ले लिया है, उसको अच्छे से ड्रेन कर लिया है। साथ में ये मैंने पीनट लिया है जिसको रोस्ट करके मैंने उसका क्रश कर लिया है, और साथ में मैंने अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, और लिया है मैंने साथ में हरा धनिया और थोड़ा सा नींबू का रस। और हम इन सबको बहुत अच्छे से मिलाएंगे, साथ में डालेंगे नमक और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और हाथ से मिक्स अच्छा होता है, तो कोशिश करें कि हाथ से बहुत स्लो स्लो करें और अच्छे से आप इसको मिक्स कर देंगे, तो ये हमारा एक डो बन के तैयार हो जाएगा। और उसके बाद हम अपने हाथों को ग्रीस करेंगे घी से, और घी से ग्रीस करने के बाद में हम इसके बड़े बनाएंगे हाथों से ही ऐसे गोल गोल, और इसी तरीके से हम सारे बड़े बना लेंगे। अब हम एक अप्पे पैन को गरम करेंगे, और जी हाँ, हम अप्पे पैन में बनाएंगे अपने बड़े को क्योंकि हम डीप फ्राई नहीं करेंगे और क्योंकि हम वेट लॉस जर्नी पर हैं। इसी तरीके से हम सारे अपने बड़े बनाकर इस अप्पे पैन में रख देंगे, और हीट को हम मीडियम लो हीट पर ही रखेंगे, और उसके बाद ढककर हम बहुत लो हीट पर पकाएंगे। फिर 30 सेकेंड बाद फिर से हम उसको खोल के ऊपर से हल्का सा घी लगा देंगे, और सिर्फ ब्रश की हेल्प से ही लगाएंगे, हमें घी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। और इस तरीके से हम एक चम्मच लेंगे, उसमें घी में डुबो लेंगे, जिससे कि जब हम इन जो अप्पे हैं हमारे साबूदाना बड़ा के, वो उस पर चिपके ना। ये एक ट्रिक थी क्योंकि ये साबूदाना के बड़े हैं और ये बहुत जल्दी चिपकते हैं और स्टिकी हो जाते हैं, तो इस तरीके से आप चम्मच से पलट सकते हैं, और दोनों साइड से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होने तक आपको इसको पकाना है और पलटते रहना है। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं दोनों साइड से, और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। साथ ही मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मेरा आज चाय के साथ ही बड़े लेने का मन था, तो चाय बना ली है मैंने और साथ में बना लिए हैं अपने बड़े। तो मैं इन बड़ों में से सिर्फ 6 बड़े ले रही हूँ, और जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे मुझे, और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए, आपको भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। गाइस, हमारा साबूदाना बड़ा बनके तैयार है,
और ये मैं सिर्फ 6 साबुदाना बड़ा ले रही हूँ, बाकी की मैंने अपनी फ्रेंड के लिए बनाए थे और क्योंकि उसने जब बोला था कि जब भी मैं साबुदाना बड़ा बनाऊँ तो उसको ज़रूर खिलाऊँ। और साथ में लिया मैंने ये ग्रीन चटनी आंवले वाली, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और मेरी चाय। और थोड़ा टाइम लगता है साबुदाना ये बड़ा बनाने के लिए, देखो डीप फ्राई करोगे तो जल्दी बन जाते हैं आप सबको पता है, लेकिन ये हमने बनाए हैं अप्पे की तरह और इसमें हमने बिल्कुल भी तेल का यूज़ नहीं किया, बस ग्रीस किया है हमने घी से हमारे अप्पे पैन को और बस बना लिए हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होंगे, अभी मैंने देखे नहीं है पर मैं आपको करके दिखा ही देती हूँ, क्योंकि रुका नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो और आप भी अपने व्रत को बहुत अच्छे से इंजॉय करना चाहते हो तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अब मैं मिलूंगी आपसे जो भी नेक्स्ट मील लूंगी तब, क्योंकि मुझे तैयार भी होना है और अपनी फ्रेंड के साथ जाना भी है वहाँ पे जहाँ पे इनॉग्रेशन है, तो उससे पहले मुझे तैयारी भी करनी है। जो दिन में खाऊंगी वो पैक करके लेके जाऊंगी और जो भी लेकर जाऊंगी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आप ये बड़ा ट्राई करिए और मज़े लीजिए, तब तक के लिए बाय बाय। मैं हो गई हूँ तैयार और मुझे जाना है इनॉग्रेशन में, तो 12 और 12 बजे तक मैंने अभी तक कुछ नहीं लिया है क्योंकि मॉर्निंग में ही हम लेट हो गए थे, 9:30 तक हमने अपना ब्रेकफास्ट किया था। और तो मैं जल्दी से बना लेती हूँ अपनी स्मूदी जो हम बनाते हैं मॉर्निंग में, वो अभी ले लेंगे और फ्रूट्स रख ले जाएंगे कुछ, अगर भूख लगेगी तो शाम लेट हुआ और भूख लगी तो हम वो खा सकते हैं, तो फ्रोजन बनाना ले लेते हैं हम लोग, आधा ही लगभग ले लेते हैं क्योंकि सुबह हमने बड़ा खाए हैं और 5 की जगह फिर मैंने 6 खा लिए थे। वैसे मुझे खाने तो 5 थे पर मेरा मन था तो मैंने 6 कर लिए थे, वो ये लग रहा है कि एक बड़ा ज़्यादा क्यों खाया है। पोर्शन कंट्रोल का हमेशा ध्यान रखें, आप हर चीज़ खा सकते हो अगर पोर्शन कंट्रोल में खा रहे हैं, इवन समोसा तक भी खा सकते हो अगर आपने दिन भर पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखा है तो। और अभी हम ले लेते हैं सेब, और सबसे जल्दी बन जाता है इसलिए भी बना रही हूँ। थोड़ा सा पीनट बटर, एक पीनट बटर है, जो लोग मुझे नया देख रहे हैं उनको बता दूँ ये घर पर ही बनाया है व्रत के लिए, तो आप इसे ले सकते हैं। हम इसे ब्लेंड कर लेंगे, बस हमारी स्मूदी बन जाएगी और यही हम लेके जाएंगे, यही लेके जाने वाले हैं हम। और जल्दी से सारा सामान फ्रिज में, अभी हो रहा है लगभग 1 और मैं पहुंच ही गई हूँ, और अभी किसी काम से हम बाहर आए हैं तो अभी मेरे लंच का टाइम हो गया और मुझे बहुत भूख भी लगने लगी है, तो मैं अपनी ये स्मूदी लेती हूँ, इसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे जिम में और तब बात करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। गाइस अभी हो रहा है शाम के लगभग 5:30 और ये मेरी इवनिंग टी का टाइम है, मैं बहुत लेट हो गई थी तो वहाँ से अभी आने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया है, तो मैंने बनाई है जैगरी टी और साथ में लिया है मैंने मूंगफली और थोड़े से मखाने, और यही मेरी इवनिंग मील होने वाली है। और जल्दी से आपको मिलती हूँ क्योंकि मुझे बनाना है डिनर, और डिनर में आज हम कुछ फिर से इंटरेस्टिंग बनाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और आप भूख भी फील नहीं करेंगे। तो चलिए गाइस अब हम मिलेंगे आपसे डिनर के टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस आज हम बना रहे हैं कच्चे केले की सब्जी जो कि बहुत ही टेस्टी होती है, तो उसके लिए मैंने क्या कर रही हूँ, मसाला बना रही हूँ। तो मैंने 2 टमाटर लिए हैं, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च और 1 छोटी इलायची लेके उसको पेस्ट बना लिया, साथ में हमने ये अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा हुआ था उसमें से ले लिया है। अब हमने घी गरम किया और उसमें जीरा डाला, और जैसे ही हमारा जीरा क्रैकल हो गया हमने ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो उसमें डाल के अच्छे से इसको सौटे किया, उसके बाद हम ये अपना टमाटर का पेस्ट इसमें डाल देंगे और उसको अच्छे से चलाएंगे, और फिर इसको चलाने के बाद इसको हम ढक देंगे और टमाटर पकने तक इसको पकाएंगे। यहाँ पे मैं देख नहीं पाई तो थोड़ा सा लग गया है, आप इस पर ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाएगा, इसमें हमने प्याज नहीं मिलाया है इसलिए। अब हम लेंगे ये कच्चे केले थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया है और फिर उनको इतने छोटे छोटे पतले स्लाइस में काट लिया है, और यहाँ पर मैंने 2 केले का यूज़ किया है, और साथ में मैंने नमक डाला है, उसे अच्छे से मिक्स करके इसमें हम पानी डाल देंगे जितनी कंसिस्टेंसी का हम खाना चाहते हैं, क्योंकि केले पानी ज़्यादा सोखते हैं, और हम इसको लो मीडियम हीट पे पकाएंगे जब तक कि हमारे केले और भी अच्छे से मैश जैसे ना होने लगे और केले की सब्ज़ी हमारी ऐसे बन जाएगी। और तब तक हम बना लेते हैं अपने कूटू के आटे का एक घोल घिया वाला, जिससे कि हम चीला बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कद्दूकस किया हुआ लौकी लिया है और कूटू का आटा लिया, नमक लिया है, आप पानी डाल के एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, और उसके बाद में हम इसके 2 चीले बनाएंगे, और यहाँ पे मैंने कूटू का आटा 40 ग्राम लिया है, और इसे हम गरम तवे पर
अच्छे से फैलाएंगे और दोनों साइड से क्रिस्प होने तक पका लेंगे। और इस जो चीला बनेगा हमारा, वो इस चीले को हम लेंगे इस केले की सब्जी के साथ में। अगर आप दही लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीला लें। और ये मेरा टेस्टी और चीला बन के तैयार है। तो हमने दो चीले ले लिए, साथ में लिए केले की सब्जी। डिनर बन के तैयार है। डिनर में आज मैंने बनाए हैं लौकी और कूटू के, बहुत पतले चीले हैं, बहुत बड़े नहीं बनाए हैं जिससे कि। और कूटू का आटा जो मैंने सिर्फ 40 ग्राम यूज़ किया, मतलब 20 ग्राम का ये है, 20 ग्राम का ये है, बट हमने इसमें लौकी कद्दूकस करके डाल लिया, तो ये अच्छे खासे बन गए। साथ में हमने बनाई है केले की सब्जी, कच्चे केले की सब्जी। वो कैसे बनाई है वो अभी बताऊंगी। और साथ में मैंने लिए आंवले की चटनी और एक खीरा। आप चाहे तो दही भी ले सकते हैं, तो एक चीला कम कर सकते हैं। और हमने देखा ये सब्जी और चीला बनाना कितना आसान है और आपको बहुत पसंद भी आने वाला है। और ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। केले की कई तरीके की सब्जी बनाना आती है मुझे, जो व्रत वाली होती हैं, लेकिन आज मैंने ये वाली बनाई है। किसी दिन और मौका मिलेगा तो कोई और बनाऊंगी। कोफ्ते की कर इसके कोफ्ते की करी, वो भी बिना डीप फ्राइड, वो भी मैं आपको बता दूंगी। और अभी मैं अपना ये डिनर कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगने लगी है, क्योंकि हमने मिड मॉर्निंग भी नहीं किया था। इवनिंग में भी आधा कप चाय ली थी और थोड़े से मूंगफली के दाने और थोड़ा सा मखाना लिया था। और मैं बनाते बनाते थक भी गई हूँ, आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो पहले मैं अपना ये डिनर कंप्लीट कर लूँ। और गाइज, आपको मेरी सीरीज़ कैसी लग रही है और आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, अगर पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब हम मिलेंगे कल आपसे नए दिन की शुरुआत के साथ में और नई नई रेसिपीज़ के साथ में, और देखते हैं कल हम क्या बनाते हैं अपने व्रत में और अपना जो वेट लॉस जर्नी है हमारे फास्ट की वो कैसी जाती है। बाय बाय एंड टेक केयर।